भावलोक फ्रॉम सीजन 3 एपिसोड 6 के प्रोमो यानी ट्रेलर को आज ब्रेक डाउन करते हैं। काफी डिटेल्स छुपा के बैठा है यह ट्रेलर, जिसमें अपनी थ्योरीज को सेट करके फ्यूचर स्टोरी प्लॉटिंग को भी डिकोड करेंगे। और एपिसोड 6 का नाम होने वाला है स्कार टिश्यू, नाम ही काफी मिस्टीरियस है। एपिसोड 6 वाकई में मार्वलस होने वाला है। चलो बात करते हैं, लेकिन बाबा सपोर्टफुल बनाए रखो, लाइक एंड शेयर करते रहो। प्रोमो स्टार्ट होता है विक्टर एंड हिज फादर हेनरी के उस मिस्टीरियस गेम में एंट्री करते हुए, जिस पर टैबिथा, जेड एंड सारा पहले ही जा चुके हैं, लेकिन उन्हें वहां सॉल्यूशन तो कुछ नहीं मिला। बट विक्टर और हेनरी का इस गेम में जाना बाबा ये सेंस बना रहा है, क्योंकि विक्टर बाहर वर्ल्ड से आया है जहां मिरांडा ने पहले ही ढेर सारे क्ल्यू टाउन से रिलेटेड छोड़कर आई है। और मैंने अपनी पिछली एंडिंग एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में भी ये चीज डिस्कस करी थी कि ये जो बाप बेटे का मिलन भले ही सिंपल लग रहा हो, भले ही ऑर्डिनरी लग रहा हो, लेकिन आगे फ्यूचर में बहुत सॉलिड होने वाला है, क्योंकि इनके बीच एक कड़ी है, वो है मिरांडा, जिसने बाहर विक्टर के घर में ढेर सारे क्ल्यूज पहले ही छोड़ रखे हैं। वो विक्टर के घर वाला बॉटल ट्री भी कहीं ना कहीं पक्का हेल्प करेगा इस टाउन की गुत्थी को सुलझाने के लिए। दूसरा एक और ट्री जो बाहर वर्ल्ड में यानी पार्क में था, जहां पर हेनरी एंड टैबिथा जा रहे थे, लेकिन वहां उनका एक्सीडेंट हुआ और वो टाउन में एंट्री कर जाते हैं, तो उसका भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है आगे जाके। क्योंकि प्रोमो में यह क्लियर कर दिया है कि मेकर ने जंगल में सिर्फ एक ट्री नहीं है, एक और ट्री बॉटल है जो हम पहले भी देख चुके हैं, पर उसमें पोर्टल नहीं है। एंड अर्ली एक्सेस एपिसोड में जेड एंड बॉयड उन सारी बॉटल्स की पर्चियों से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कोई गुत्थी सुलझाने की। तभी बॉयड उसे बताता है कि सेकंड ट्री पर मैं घूमकर आ चुका हूं सारा के साथ, जिसमें एक बॉटल में मैसेज था 1864, ये डिजिट लिखे थे, एंड द सेम डिजिट 1864 जेड को भी मिला है फर्स्ट ट्री से। देखते हैं कोई कनेक्शन होगा। लेकिन दो फोटोज या फिर सीन्स में विक्टर एंड हेनरी उस केव के अंदर भी दिख रहे हैं, जहां पहले विक्टर और सारा के साथ जैस्पर को ढूंढने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन अब वो अपने बाप के साथ जैस्पर को ढूंढने निकल चुका है और वहां पर भी दिख भी रहा है, जो हाथ में जैस्पर भी दिख रहा है उसके। लेकिन ये हेनरी बहुत सस्पिशियस होने वाला है, कोई तो राज है इसके पास, ये बंदा एवं ऑर्डिनरी तो नहीं लग रहा। दूसरा बाबा एक बात तो है, जेड ये बंदा कैरेक्टर बहुत धांसू है, कतई जी जान लगाकर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है, वेरी फोकस्ड कैरेक्टर, मेरा फेवरेट होने वाला है आगे जाकर। बाकी प्रोमो की बात करें तो जेड सेकंड ट्री पर पहुंचता दिख रहा है। खैर टॉम याद है ना आपको, सीजन 2 में जो मर चुका था, जिसका घोस्ट जेड को हेल्प करते नजर भी आया था वो केव में फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम यहाँ फिर देखने को मिला है प्रोमो में, और हेल्प करते भी नजर आ रहे हैं वो बॉटल्स एंट्री कुछ गुत्थियाँ सुलझाते हुए, जो स्ट्रॉन्ग वर्ड का इस्तेमाल भी कर रहा है कि क्या तुम्हें इस जगह को बीट डाउन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो बाबा वो एपिसोड 6 में ही पता चलेगा, लेकिन कुछ सुराग जरूर मिलेगा यहाँ से। बाकी मुसीबत अब आने वाली है, क्योंकि फातिमा का अल्ट्रासाउंड करने की तैयारी भी चल रही, जो एम्बुलेंस अराइव हुई थी उसमें अल्ट्रासाउंड मशीन है, तो यहाँ अब भांडा फूटने वाला है कि एक्चुअली फातिमा के पेट में कौन सा कपूत पल रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल तो नहीं है, जो साफ इशारा दे रहा है कि इस कर्स प्लेस का कर्स्ड बालक ही होगा, यानी ईविल या फिर क्रिएचर। तो इस पार्ट के लिए भी बड़ा एक्साइटमेंट है, क्या मिल सकता है यहाँ पर। बाकी एक बड़ी मिस्ट्री और टेक प्लेस कर रही है टैबिथा के घर में, जहाँ प्रोमो में दिखाया गया घर में सिर्फ वही दोनों माँ बेटे अकेले हैं, और घर के ऊपर कोई सस्पिशियस थिंग महसूस हो रही है, जहाँ वो ईदन से पूछती भी है कि ऊपर कोई है तो नहीं, देन वो मना भी करता है, और वो ऊपर जाती है और कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर टैबिथा डर भी रही है और शॉक्ड भी है। देखो मेरे दिमाग में एक बंदा घूम रहा है, क्योंकि टैबिथा जिस हिसाब से डरी हुई लग रही है, कहीं वो थॉमस तो नहीं है, वही मरा हुआ बेटा जो कुछ दिन पहले कॉल करके हेल्प कर रहा था और अचानक से आ गया हो। चलो देखते हैं बाबा एपिसोड 6 में क्या होगा। बाकी रैंडल को लेकर बहुत एक्साइटमेंट था, पर मेकर ने उसे फिलहाल नॉर्मल कर दिया है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर ये बाहर आ चुका है और अपने घर यानी बस में एंट्री लेते भी नजर आ रहा है। पर बंदे का होलिया अब हो चुका है खराब, मुंह खराब हो चुका है, चेहरे में बड़ा स्कार आ चुका है, लेकिन ये आगे जाकर कुछ तो धमाका करने वाला है डेफिनेटली। मैं इसे इविल क्रिएचर में कन्वर्ट होते देखना चाहता था। बाकी एक सीन में जूलियन रैंडल एक साथ जंगल में भी दिख रहे हैं, तो बाबा अब ये कौन सी नई खोज पे निकले हैं वो एपिसोड 6 में ही पता चलेगा। दूसरी तरफ एल्गिन, विलियम एंड जूली जो फोटो क्लिक्स कर रहे थे, बट एल्गिन सरप्राइज्ड है उन फोटोज को देखकर, उस समय तो नॉर्मल थे, तो आखिर उन फुटेज में ऐसा क्या है, क्योंकि उस समय तो वो वीड नशे में ही थे शायद, तो कुछ भी शायद क्लिक कर लिया हो, कुछ तो सुराग वहां पे मिलेगा। मेरा एक कनेक्शन जा रहा है कि कहीं वो कॉप्स जो उसे बार बार दिख रहा है वो रियल ह्यूमन कनेक्शन तो नहीं है, जो एक्चुअली फातिमा से कनेक्ट हो रहा हो, क्योंकि बहुत सी थ्योरी वहाँ पर भी जा रही है कि जो कॉप्स है वो बिल्कुल एज यूजुअल फातिमा की तरह ही देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी मिस्ट्री है, देखते हैं 6 एपिसोड में क्या होगा। बाकी बहुत कुछ कैरी कर रहा है एपिसोड 6, धमाका काटने वाला है। 27 अक्टूबर संडे सुबह को आ जाएगा एपिसोड 6, तो डेट नोट कर लेना। बाकी जो मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको वहाँ बहुत कुछ मिलेगा। बाकी एपिसोड 6 के लिए कौन कितना एक्साइटमेंट है बाबा, नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो पर,
और यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।